हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, सर्विस सेंटर का अंदर टीवी सर्विसिंग और पार्टी के घर पर टीवी सर्विसिंग पूरा अलग होता है, तो इसीलिए मैं अलग सा प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो वो प्लेलिस्ट आप देखना चाहता हो तो ये वीडियो का ऊपर देखिए, मैं आई बटन पर एक लिंक दे दिया, तो वो लिंक पर क्लिक करके आप होम सर्विस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस तरह एक पार्टी के घर पर टीवी रिपेयरिंग आपको करके दिखाऊंगा। तो ओनिडा अल्ट्रा स्लिम टीवी है, तो चलिए उसका फॉल्ट क्या है, किस तरह वो रिपेयर किया जाता है, अब शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन का अलग से नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये पार्टी के घर पर लाइट बहुत कम है, ठीक है, तब भी मैं टॉर्च लाइट से देखा पीसीबी का अच्छा करके, और स्टेप बाय स्टेप मैं जब काम किया थोड़ा मैं काट करके ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो ज़रूर अलग से नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, देखिए ये टीवी का फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, ये पार्टी का घर पर ये टीवी चल रहा है इस तरह, इसका हाइट बहुत कम है, ऊपर और नीचे दोनों साइड कम हो गया, और ये ओनिडा कंपनी का एक टीवी है, ठीक है। और ये पिक्चर का अंदर देखिए लाइनिंग देखा जाता है, तो चलिए इसका मॉडल नंबर आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी की मॉडल नंबर है, चलिए इसका बैक कवर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देखिए ये जो अल्ट्रा स्लिम टीवी है, इसका बैक कवर मैं ओपन किया, और दोस्तों पार्टी के घर पर बहुत सावधानी से आपको ये टीवी को पीसीबी जो होता है ये आपको बाहर काटना पड़ेगा। और चलिए मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये टीवी पर ही टीवी है, ये टेबल पर ही टीवी है, ठीक है। और ये पीसीबी को धीरे से आपको बाहर खींचना पड़ेगा, और इसका जो वायरिंग ये आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा कि ये एसी कॉर्ड है, ये बाहर काटना पड़ेगा। और उसका बाद ये देखिए थोड़ा ये जो स्पीकर जो पॉइंट होता है, स्पीकर आउटपुट जैक, ये जैक को ओपन करना पड़ेगा। इस तरह कुछ जो वायरिंग होता है, वायरिंग को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपको ये पीसीबी को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर करने का बाद देखिए, तब भी ये बाहर नहीं आ रहा है, देखिए इसका ईएसटी का जो वायर, जो फाइनल एनोड यहाँ पर इस तरह ये लगाया है कंपनी, तो ये भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए, लगता है ये पीसीबी अभी तक कुछ भी टेक्नीशियन ओपन नहीं किया है, ठीक है। और इसका डिगोसिंग कॉयल वायर को भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये ओपन करने के बाद ये पीसीबी को सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखाऊंगा कि ये फॉल्ट कौन सेक्शन से हो रहा है। तो उसका पहले पीसीबी को और अच्छा करके देखना पड़ेगा, बाहर करने के बाद ऊपर नीचे सब कुछ क्लियर करके देखना पड़ेगा कि कुछ भी टूटा फूटा फूला हुआ पार्ट्स है कि नहीं है, ठीक है। वो देखने के बाद फर्स्ट वो पार्ट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर लग रहा है प्रोसेसर चीप आईसी है, और ये जो वर्टिकल आईसी है, लग रहा है ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी पार्ट्स फूला हुआ नहीं है, टूटा फूटा भी नहीं है, तो कौन पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा, इसका फॉल्ट क्या है, कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नहीं है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, ये पीसीबी को पीछे साइड अच्छा करके देखने के बाद देखिए, मैं टॉर्च लाइट से देखता हूँ, मोबाइल टॉर्च ऑन किया, और ये पीसीबी के अंदर बहुत ड्राई सोल जो लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, ये वर्टिकल आईसी का पास भी लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, आईसी का पास भी लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, ठीक है। और पूरा पीसीबी को अच्छा करके आपको इस तरह देखना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पार्टी के घर पर ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और सब कुछ वोल्टेज डिटेल्स दिखाना भी संभव नहीं है, बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, पार्टी के घर पर भी लेट हो जाएगा। इसका जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड का अंदर भी देखिए बहुत लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ये जो लूज कॉन्टैक्ट है ये आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा अच्छा करके, और सोल्डरिंग करने का बाद आपको देखाऊंगा क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए मैं सोल्डरिंग करके देखता हूँ। तो दोस्तों, ये पीसीबी को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया, ठीक है। सोल्डरिंग करने का बाद एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आता है, और उसके बाद नहीं होगा तो जो कुछ करना पड़ेगा आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, टीवी का इंडिकेटर ऑन हो गया, और आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि देखिए ये स्क्रीन का जो लाइनिंग, ये लाइनिंग भी है और इसका हाइट भी बहुत कम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी टाइम आपको कुछ वोल्टेज चेक करके दिखाऊँगा कि कौन पोजिशन पर कितना वोल्ट मिलता है। फर्स्ट जो वर्टिकल सप्लाई प्लस वोल्ट, ये देखिए 15 वोल्ट,
ठीक है, 16 वोल्ट के आसपास। और इसका जो माइनस वोल्ट देखिए, -17.8, ये 18 वोल्ट के आसपास। तो लगता है ये पोजीशन का कुछ फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट के लिए जो करना पड़ेगा, ये वर्टिकल सेक्शन का कुछ वोल्टेज भी आपको दिखाता हूँ। देखिए जो सप्लाई आईसी पर जाता है, तो ये जो सप्लाई आउटपुट होता है ईएसटी से, ये आईसी पर भी जाता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप होने का दो रीज़न है। एक है कि आईसी फॉल्ट हो सकता है वर्टिकल आईसी, और जो सप्लाई लाइन का कैपेसिटर होता है वो भी फॉल्ट हो सकता है। और ये 180 वोल्ट का लाइन वोल्टेज देखिए, ये ओके है 170 वोल्ट के आसपास, तो ठीक है। तो और ये पीसीबी का कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स नहीं है, ठीक है। ये आपको फास्ट पीसीबी को सब कुछ दिखाया। और ये जो 180 वोल्ट बेस बोर्ड पर जाता है, देखिए यहाँ पर 170 वोल्ट, ये वोल्ट से काम चल जाएगा। तो और कुछ भी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तब भी आपको दिखाना चाहता हूँ इसका तीनों कैथोड पिन वोल्टेज, ठीक है। ये जो कैथोड पिन वोल्टेज देखिए 109 वोल्ट, और उसका बाद दो फिलामेंट का सप्लाई फिलामेंट पिन है, फिलामेंट पिन का बाद देखिए 109 वोल्ट। और उसका बाद दोस्तों जी टू पिन का बाद एक कैथोड पिन है। ये पिन पर कितना वोल्ट मिलता है आपको दिखाता हूँ। ये पिन पर देखिए 103 वोल्ट का आसपास। तो लगता है ये बेसबोर्ड का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसीलिए जो फॉल्ट आता है, जो हाइडलेस फॉल्ट, ये तो वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट है। और जो लाइनिंग आता है, ये वोल्टेज कम होने का वजह भी हो सकता है। तब भी आपको इसका आई के वोल्टेज दिखाता हूँ बेसबोर्ड पर जो जाता है, देखिए 3 वोल्ट के आसपास। तो लगता है ये ओके है, और ये वोल्ट आईसी से आता है। तो चलिए मैं टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, क्या करना पड़ेगा देखिए। ये पीसीबी को दोबारा मैं अच्छा करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिए और मैं भी देख लेता हूँ कि ये पोजीशन पर एक कैपेसिटर है। ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये कैपेसिटर का जो वैल्यू 1 माइक्रोफेराड और 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से दोनों साइड जो होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन इसका साइड ऊपर नीचे कम है। और ये जो एसटीआर का पास देखिए एक पीएफ है, ये फटा हुआ है। तो ये पीएफ को मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि पावर सेक्शन ओके है, पावर सेक्शन से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। सेम मैं जो करूँगा कि ये जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन का कुछ कैपेसिटर है, और ये जो आईसी है, ये मैं एट ए टाइम चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं पार्टी के घर पर टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा। और ये जो वर्टिकल आईसी देखिए 401 का वर्टिकल आईसी है। तो दोस्तों देखिए, इसी टाइम मैं तीनों कैपेसिटर को चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं आईसी भी एक साथ चेंज कर दिया। आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये सब पार्ट्स मैं एट ए टाइम चेंज कर दिया। और आपका सर्विस सेंटर पर इस तरह काम करेगा, तो आप एक एक पार्ट्स चेंज करके सप्लाई देके देखिए। और पार्टी का घर पर जब पड़ेगा, वो जो सेक्शन होता है, वो सेक्शन का कुछ पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद वो एट अ टाइम चेंज कर दीजिए। देखिए मैं और अच्छा से आईसी लगाया 7845 का, और यहाँ पर जो आईसी है 78041 का। तो 41 से एम्पेयर हाई होता है 45 का, ठीक है। तो चलिए ये लगाने के बाद, ये पार्ट्स लगाने के बाद सप्लाई देखिए एक बार, आपको दिखाता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों देखिए टीवी के इंडिकेटर ऑन हो गया, और स्क्रीन पर देखिए ये भी लिखा गया, और इसका लाइनिंग भी चला गया। लगता है ये टीवी ऑन हो गया, और इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ठीक है, एक बार वीडियो लाइन देख के देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये घर का जो सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स लाइन देने का बाद वीडियो लाइन देख के आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों वीडियो लाइन में इनपुट कर दिया, और देखिए इसका लाइनिंग चला गया, इसका जो स्क्रीन ये फुल हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए।